दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। हरियाणा क्लर्क में बार बार पूछे जाने वाले कुल 62 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दिल्ली का किसका पुराना नाम है? दिल्ली का, ये दिल्ली का पुराना नाम है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद बरदाई ने की थी। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर स्थित है? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पर स्थित है। चौथा क्वेश्चन, खुजराओं में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खुजराओं में स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को 1206 ईस्वी में लूटा। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक था भीमदेव फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? हेरी केली नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं। देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों के 1946 में चलाए गए मुकदमे में वकीलों के पैनल का नेतृत्व किसने किया था? इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों के 1946 में चलाए गए मुकदमे में वकीलों के पैनल का नेतृत्व किया था भूला देसाई ने। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया। ये स्वदेशी का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1906 ईस्वी में। किस घटना के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, पदवी त्याग दी थी? जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि या पदवी त्याग दी थी। एक अंग्रेज फिलिप स्पेट पर किस षड्यंत्र के लिए मुकदमा चलाया गया? मेरठ षड्यंत्र केस में फिलिप स्पेट पर मुकदमा चलाया गया। ब्राह्मण साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन कौन से ग्रंथ हैं? तो ब्राह्मण साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ हैं वेद। किस अधिकार को वी आर अम्बेडकर ने संविधान का दिल एवं आत्मा कहा था? शैवधानिक उपचारों का अधिकार को वी आर अम्बेडकर ने संविधान का दिल एवं आत्मा कहा था। एटलस ड्रैकेंसबर्ग पर्वत तथा किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महाद्वीप में है? तो एटलस ड्रैकेंसबर्ग पर्वत तथा किलिमंजारो ज्वालामुखी ये अफ्रीका महाद्वीप में है। राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन उद्योगों की पुनः संरचना और आधुनिकरण के लिए किया गया था। यदि प्राथमिक घाटे के ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किस घाटे के बराबर होता है? किस घाटे के बराबर होता है? घाटे नहीं होगा, ये घाटा होगा। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह राजकोषीय घाटे के बराबर होता है।
अगला क्वेश्चन, किसने पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? कार्ल डोर ने पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा आप लोग, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, योजना का आयोग सचिव। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना कब हुई? तो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद। स्टोरिक नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो स्टोरिक नामक ग्रंथ के लेखक हैं हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो महाबलीपुरम पल्लव शासकों के शासनकाल में प्रसिद्ध था। तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो तंजौर का राजेश्वर मंदिर चोल वंश के शासकों ने बनवाया था। सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग्स द्वितीय। बिना अपील और बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया? तो बिना अपील और बिना वकील तथा बिना दलील का कानून को रॉलेट एक्ट कहा गया। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली ने की, और कब की? 1920 ईस्वी में। तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता थे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन थे? तो पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे चौधरी रहमत अली। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करिए और शेयर भी करिए। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर क्या कहा? तो गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर यह कहा था, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, एंडी पेट्स फॉर इंडिया लिंक की स्थापना किसने की? तो एंडी पेट्स फॉर इंडिया लिंक की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की। इंडिया इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसने की? तो इंडिया इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना राज बिहारी बोस ने की। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के दौरान काले पानी की सजा के लिए बनाया गया कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता के दौरान काले पानी की सजा के लिए बनाया गया कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की? तो आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की। 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगणमन गाया गया? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में इस समय पार्टी के अध्यक्ष पंडित विश्व नारायण धरे गए थे धर थे विश्व नारायण धर थे और इसी में पहली बार इनकी अधिवेशन में जनगणमन गाया गया था। अगला है, देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है? तो देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान 2035 करोड़ की लागत से वाड़सर झरझर में बनाया जा रहा है। अगला है, हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र गोरखपुर फतेहाबाद में बनाया जा रहा है। ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी करणम मलेश्वरी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा आप लोग। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 20वां स्थान है। हरियाणा का लौह पुरुष कौन कहलाता है? तो हरियाणा का लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल कहलाते हैं।
ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य था हरियाणा। 2010 में ये शिकायत करने वाला पहला राज्य बना था। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के सिरसा जिले में स्थापित किया गया है। अगला है, हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियां अरावली की पहाड़ियां का हिस्सा है। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ? तो हरियाणा राज्य का गठन संविधान के 17वें संशोधन के द्वारा हुआ। अगला क्वेश्चन, हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो हरियाणा भारत के 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में किस स्थान पर है? तो शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के थानेसर में है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर स्थित है? तो इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है। राव तेज सिंह का तालाब कहां स्थित है? तो राव तेज सिंह का तालाब रेवाड़ी में स्थित है। हरियाणा में घंटेश्वर मंदिर कहां स्थित है? तो हरियाणा में घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में स्थित है। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम मयूर स्थित है? तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में नाहर सिंह स्टेडियम मयूर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 ईस्वी में लगाया गया था। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के हिसार स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई? तो महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में की थी। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के करनाल और फरीदाबाद नगर शामिल किए गए हैं। 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन गुड़गांव में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है? पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है 8वीं पास। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया है? हरियाणा राज्य में हर प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया है। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड अम्बेसडर परिणति चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये थे हरियाणा क्लर्क में बार बार पूछे जाने वाले कुल 62 क्वेश्चन। मैं आप लोगों को इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों को वीडियो में वाकई में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।